Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to solve class 2nd maths chapter number 12 give and take. इसमें किनारी जो है वो beads बेचती है बाजार में. beads होते हैं छोटे छोटे मोती type. She sells loose beads and necklaces of 10 beads each. वो loose beads बेचती है necklaces बनाने के लिए और 10 beads का एक necklace बनता है. रजिया को अब 12 beads चाहिए. सो किनारी क्या करती है, उसे एक नेकलेस देती है और दो लूज बीड्स देती है. राइट, 10 बीड से एक नेकलेस बना हुआ है और बाकी कुछ लूज हैं. तो रजिया को अगर 12 चाहिए तो 12 के हिसाब से वो 12 बीड्स देने के बजाय वो एक नेकलेस देती है, क्योंकि उसको पता है कि नेकलेस में तो 10 बीड्स हैं ही हैं और प्लस टू लूज बीड्स दे देती है. नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेसेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन टेक. अब हमें ढूंढना है कि बाकी बच्चे जो हैं वो नेकलेसेस और लूज बीड्स कितने कितने लेते हैं. अब रजिया को देखो, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि रजिया को अगर 12 चाहिए तो एक नेकलेस और दो लूज बीड्स हो गए. अब रीमा को चाहिए 17, तो 17 के लिए एक नेकलेस 10 का, 10 प्लस 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ बना दिया हमने. अब आरिफ को चाहिए 24, तो 24 के लिए 20 प्लस 4, क्योंकि दो नेकलेस आ जाएंगे 10 10 के. सो 20 मीन्स 10 वन टू नेकलेसेस एंड 4 बीड्स. सोनू को चाहिए 35 के लिए 3 नेकलेसेस उसे मिलेंगे और 5 बीड्स मिल जाएंगे. इसी तरह सिमर को अगर 31 चाहिए तो 3 बी नेकलेसेस एंड 1 बीड. ठीक है, वो कह रहे हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर. अब रजिया के पास थे 12 और रीमा के पास थे 17, तो टोटल 29. दे हैव टेकन 29 बीड्स इन ऑल टुगेदर. ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने करके भी दिखाई हुई है कैलकुलेशन, 12 प्लस 17. ठीक है, अब हमें इस तरह मेंशन करना है 12 प्लस 17, तो इन दोनों को टोटल करना है और इन दोनों को, वंस वालों को टोटल करना और टेंस वालों को, तो आ जाएगा 29. ठीक है, अब है प्रैक्टिस टाइम. हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू. अब रजिया ने कितने लिए हैं देखो, 10 प्लस 2 12, सोनू के पास से 10 20 30 प्लस 5 35, तो इन दोनों को अब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, तो कितना आ गया 47. सो 47 बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू. पहले इन दोनों को टोटल करना है फिर इन दोनों को. ठीक है, वन एक्स्ट्रा नेकलेस. अब ये अलग अलग बीड्स ये हैं कि रीमा के पास थे इतने 17, आरिफ ने लिए 24, तो टोटल कितना हुआ, हम क्या करेंगे 7 प्लस 4. अब 7 प्लस 4 देखो 11 बनता है, तो हम क्या करेंगे, 11 का ये जो भी नंबर होगा उसके पिछला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला नंबर करेंगे कैरी ऊपर. ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो आंसर आ गया 41. ठीक है, ये होगा, मतलब 7 प्लस 4 अगर 11 होता है तो 11 का ये वाला नंबर हो गया यहाँ पे कैरी और ये वाला आएगा यहाँ पे. राइट, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो आंसर आ गया 41. तो आप इनको टोटल करके भी कर सकते हो, अगर 17 प्लस 24 के आगे आप 17 काउंट करते रहते हैं तो. राइट, तो वन कैरी करके हो जाता है वो. चलो, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी बीड्स डू दे हैव टुगेदर. अब रीमा और सोनू के दे रखे हैं 17 प्लस 35, तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो 2 है यहाँ पे, 1 कैरी हुआ यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 प्लस 1 5 52 बीड्स. अब आरिफ के लिए 24 प्लस 12 हैं, तो 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, तो टोटल कितना हुआ 36 बीड्स. हाउ मेनी मोर बीड्स, और कितने बीड्स चाहिए. अब सोनू के पास थे 35 और आरिफ के पास हैं 24, तो और कितने चाहिए आरिफ को सोनू के इक्वल करने के लिए. 35 में से 24 माइनस करेंगे 5 में से, 1 2 3 4 5 में से हमने 4 माइनस किए,
ये भी गया तो ये कितना बचा वन, तो वी राइट वन, थ्री माइनस टू वन, राइट। अब आरिफ का क्या है, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व, फोर माइनस टू टू, टू माइनस वन वन, तो कितना आ गया ट्वेल्व मोर बीड्स। हाउ मेनी मोर बीड्स द सिमर हैव देन रीमा। अब सिमर के पास है थर्टी वन, रीमा के पास है सेवनटीन। हाउ विल यू टेक अवे सेवन बीड्स फ्रॉम वन बीड। सिमर हैज थर्टी वन बीड्स, रीमा है सेवनटीन। ओपन वन नेकलेस ऑफ सिमर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा इसमें, हाउ विल यू टेक अवे सेवन बीड्स फ्रॉम वन बीड। सिमर के पास थर्टी वन है, रीमा के पास सेवनटीन है, तो वो कह रहे हैं एक सिमर का नेकलेस हम खोल देंगे। सो सिमर विल हैव नाउ टू नेकलेसेस और इलेवन बीड्स हो गए, ठीक है। ट्वेंटी प्लस इलेवन थर्टी वन, तो बात तो वही होगी। रिमेंबर आई विल क्रॉस थ्री एंड राइट अ स्मॉल टू इन द नेकलेस बॉक्स, ठीक है। ऑल्सो राइट अ स्मॉल वन इन द बीड बॉक्स, रिमेंबर देर आर इलेवन बीड्स। अब उसने क्या किया, यहाँ पे कैरी कर लिया इलेवन और यहाँ पे कट करके टू लिख दिया। नाउ इट इज़ ईजी, यू कैन टेक अवे सेवन बीड्स फ्रॉम इलेवन। अब इलेवन में से उसने सेवन निकालने, कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो उसके पास कितने बचे, ये फोर बीड्स। तो विल राइट इलेवन माइनस सेवन फोर, तो यहाँ से कितना आ गया था टू, तो टू माइनस वन भी कितना आएगा वन, सो आंसर आ जाएगा फोर्टीन। अब इसी तरह प्रैक्टिस टाइम है, तनिषा के पास सेवनटीन पेंसिल्स हैं और सिया के पास ट्वेंटी फाइव पेंसिल्स हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल, सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फाइव, सेवन प्लस फाइव एट, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो ट्वेल्व का टू यहाँ लिखा और वन आ गया यहाँ पे, तो टू प्लस वन फोर, फोर्टी टू आंसर। वो कह रहे हैं अगर मुनीजा की क्लास में थर्टीन इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं और ट्वेंटी टू हिंदी स्टोरी बुक्स, तो टोटल मिला के स्टोरी बुक्स कितनी हुई, तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस ऐड करेंगे। तो थर्टीन प्लस ट्वेंटी टू, थ्री प्लस टू फाइव, वन प्लस टू थ्री, तो आंसर आ गया थर्टी फाइव। अब साक्षी के पास ट्वेंटी थ्री फ्रूट्स हैं जिसमें से वो फिफ्टीन फ्रूट्स खा गई, तो कितने बचे उसके पास, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ट्वेंटी थ्री, अगर मेरे पास सपोज़ ट्वेंटी थ्री फ्रूट्स हैं और मैं इसमें से पंद्रह खा गई, तो मेरे पास बचे कितने, तो हम ऑब्वियसली ट्वेंटी थ्री में अगर फिफ्टीन प्लस करेंगे तो वो तो टोटल हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स अभी बचे हैं, पर हमने तो वो खा लिए, मतलब फिनिश हो गए, तो हम उसको माइनस करेंगे। ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टीन, तो थ्री यहाँ पे लिखेंगे वन, जैसे हमने बीड्स में कैरी किया था, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे थर्टीन और यहाँ पे हम वन कर देंगे, राइट। थर्टीन माइनस फाइव एट और वन माइनस वन ज़ीरो, सो आंसर आ गया ज़ीरो एट, दैट इज़ एट। दिलजीत के पास थर्टी फाइव मार्बल्स हैं और अरविंद के पास ट्वेंटी फाइव मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल। अब टोटल पूछा है कि कितने हुए टोटल, तो हम करेंगे प्लस, थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव, फाइव प्लस फाइव कितना आता है टेन, तो ज़ीरो आया यहाँ पे, वन आया यहाँ पे, थ्री प्लस टू प्लस वन सिक्स, तो आंसर आ गया सिक्सटी। अब निशा के पास थर्टी टू बैंगल्स हैं, सुखी के पास सिक्सटीन है, तो निशा को और हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव। निशा के पास और सुखी से कितनी ज़्यादा बैंगल्स हैं, अब हमें दोनों को चेक करना है कि सुखी के पास सोलह है और निशा के पास थर्टी टू है, तो निशा के पास कितने से ज़्यादा है, तो हम करेंगे थर्टी टू माइनस सिक्सटीन, तो यहाँ लिखेंगे ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स, यहाँ पे थ्री का लिखा टू, टू माइनस वन वन, तो आंसर आ गया सिक्सटीन, राइट। अब है वेंकटेश कैंटीन, अब हमें वेंकटेश को हेल्प करनी है बिल बनाने के लिए, ठीक है। अब उसके पास डोसा था एक ट्वेंटी थ्री रुपीज़ का, उत्तपम है ट्वेंटी एट का, तो टोटल कितना हुआ, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन का वन ये वाला इस साइड आया, ये ऊपर आया, तो टू प्लस वन फोर प्लस वन फिफ्टी वन आंसर आ गया। अब इडली है फिफ्टीन की और कॉफ़ी है एट की, तो एट प्लस फाइव थर्टीन, थ्री का थ्री यहाँ आया, वन यहाँ आया, वन प्लस वन टू, तो आंसर आ गया ट्वेंटी थ्री। दही वड़ा ट्वेंटी फाइव, चिली राइस एटीन, तो फाइव प्लस एट थर्टीन, थ्री का थ्री यहाँ पे आया, वन आ गया ऊपर, तो टू प्लस वन प्लस वन फोर्टी थ्री। अब सूप है ट्वेंटी सेवन एंड नूडल्स है फिफ्टीन के, तो ट्वेंटी सेवन प्लस फिफ्टीन, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व,
तो टू यहाँ आया, वन यहाँ आया, टू प्लस वन प्लस 142 इज द आंसर, राइट। अब आ गया इट्स टाइम टू बाय। ओ यू अगेन मोर होमवर्क? नो, दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स। वो कहते अरे तू फिर से आ गई, और ज़्यादा होमवर्क है क्या? वो कहते नहीं, इस बार मैं पेंसिल्स खरीदने आई हूँ, 8 पेंसिल्स और 5 इरेजर। वो कहते हैं ओके, द पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 16 रुपीज़ है और इरेजर जो है वो 15 रुपीज़ की हैं। कहती ओ 16 रुपीज़ मीन्स कि 10 रुपये के नोट, एक नोट 10 रुपये का और 6 एक एक रुपये के कॉइन्स। सो आई कैन राइट लाइक दिस, 16 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हुआ, 16 की पेंसिल सी और 15 की इरेजर सी, तो 6 प्लस 5 11, 1 से 1 यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 31, तो आंसर आ गया 31। सो आई पुट द कॉइन्स टुगेदर, देर आर 11 कॉइन्स, दैट बिकम्स 10 एंड 1, बिल्कुल सही। नाउ यू कैन सी देर आर 3 नोट्स इन ऑल। अब आप देखोगे 31 टोटल हो गया, तो 10 के 3 नोट्स चाहिए और 1 रुपी का कॉइन। पर वो कह रही है कि मेरे पास तो 40 रुपीज़ है, तो अब 40 रुपीज़ में से हमें कितने पे करने और वो कितने वापस करेंगे वो देखते हैं। तो 40 में से हम क्या करेंगे, 31 को माइनस, तो 0 में से 1 गया, तो 0 में से तो 1 जा नहीं सकता, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, राइट, और 4 का बनाएंगे 3, तो 10 माइनस 1 9, 3 माइनस 3 0, तो आंसर आ गया 9 रुपीज़ बचे उसके पास। सो आई विल गेट बैक 9 रुपीज़। वो कह रहे हैं शेखर के पास 32 रुपीज़ हैं, ही बॉट अ बॉल फॉर 17 रुपीज़, उसके पास टोटल 32 रुपीज़ हैं और उसने एक बॉल ख़रीद ली 17 रुपीज़ की, तो उसके पास कितने पैसे बचे? सो वी राइट 32 माइनस 17, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बनाएंगे और 3 का करेंगे 2, 1 कैरी कर लिया, तो 12 माइनस 7 कितना आता है 5, 2 माइनस 1 1, तो आंसर आ गया 15। सोनी ने बिस्किट्स लिए 24 रुपीज़ के और एक चिप्स का पैकेट 16 रुपीज़ का लिया, राइट, तो उसको और कितने देने पड़े? तो हम क्या करेंगे, 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 कितना होता है 6 प्लस 4 10, तो 10 का 0 यहाँ आया, 1 हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो आंसर आ गया टोटल 40। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं इसको, जैसे 24 के पास कौन सी टर्म पड़ती है 25, 16 के पास कौन सी 15, यहाँ से एक कम हो गया, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया, तो इसको भी टोटल कर सकते हो, आंसर आएगा 40। फंटूश हैड 64 रुपीज़ और ही स्पेंड 39 रुपीज़ एट द फेयर, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम? ठीक है, 64 रुपीज़ इसके पास है, उसने 39 रुपीज़ खर्चे, तो 4 में से 9 तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ से कैरी करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे आ गया 5, तो 14 माइनस 9 5, 5 माइनस 3 2, तो आंसर आ गया 25। तो अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि अगर 64 है तो 65 इसका बनाया, 39 है और 40 इसका बनाया, राइट, तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन मैं ये मेथड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो यही बेटर है क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, तो इट्स बेटर कि आप यही वाला जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं उसी अकॉर्डिंग आप करें डिविजन सब्ट्रैक्शन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आंसर थे। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। एक सेकेंड, हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन आप मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, राइट, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, टेक केयर एंड बाय।